अबे दिल से क्यों लगा रहा है, गुजिया है ये, पेट में जाएगा मुंह के रास्ते, ठीक है ना? मेरी जादू की गुजिया है, संभाल के रख ले इसको। तुम ही हो रे सरला के सबसे ज्यादा तगड़े वाले रिश्तेदार जो आप ही के मुंह में ठूसेगी होली में। हद हो गई यार। आने मैं दोस्तों मम्मी पापा तो बहुत तगड़ा प्रैंक बनाना। दोस्तों आप सोच रहे हो डब्बा कहाँ आ गया। दोस्तों जो मेरी फ्रेंड है जो मैं उससे खेलते रहता हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं वो ना मेरी गुजिया भेजी थी, ए बड़ी कंजूस है, दो ही गुजिया वो दी थी, चार गुजिया दी थी, मैंने तो अपनी खा ली। और दोस्तों मैंने सोचा थोड़ा तगड़ा प्रैंक होता है, ठीक है दोस्तों, बहुत तगड़ा प्रैंक होने वाला है, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, सपोर्ट करना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिठाई के डिब्बे कहाँ से लेके आ गए रे? मिठाई कहाँ से लेके आ गए तो? क्यों मैं ला नहीं सकता? दिखा कौन देखे गया? मैं अच्छा मेरी, अरे आप ही होने वाली बहू देते गई है। ज्यादा बकवास मत कर, कौन होने वाली बहू कौन आ गई हमारी? कौन देखे गया? पापा का दोस्त देखे गया था? रिया पापा का दोस्त देखे गया ना कोई? नहीं तो किसने दिया है? वो देके जाएगी तेरे को जब से आती है हमारे घर से खा के चली जाते, तेरे को बड़ा देने वाली है। अब गुजिया देते गई है, गुजिया देते गई है तुम्हारे लिए, दो दो देते गई है। बस दो ही गुजिया इतने बड़े डब्बे में? दो ही गुजिया? मैंने अब चार गुजिया देते गई थी, मैंने अपनी खा ली है, तुम दोनों बुद्धा बुढ़िया गुजिया, ठीक है? अरे भैया गुजिया क्या बात है, मामा की गुजिया केसर आनी है, मामा की गुजिया, मामा की गुजिया। ये पता है क्या बोल रहा है? मैं बोल कि तेरे को कहीं पापा का दोस्त तो नहीं देखे गया? कह रहा है अरे वो नहीं देखे गया, मेरी फ्रेंड है ना जो, उसने दिया मेरे को चार, देखे गया तो दो मैं खा गया और दो आप दोनों के लिए रखी। तो दिखाना तो एक एक खाते है ना, हम लाकर दिया हम खा लेते हैं। आप बंदा तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, तुम नहीं खाओ पेट खराब हमारा, तुम्हें पेट खराब, हमें खाना नहीं आता है, हमें भी अच्छी लगती है कुछ चिल्ला दे। अच्छे मामा आ रहे तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा सही। अरे बेटा होली का मौसम है तो दे दे गुजिया। भैया तुम ना होली दिन खा लेना मिठाई, अभी नहीं खाओ। तो जब हमारे लिए भिजवाई है तो हमें तो दे दे खाने के लिए गुजिया, तो तू हमें भी नहीं खाने देगा? वैसे तेरी फ्रेंड जब हमारे लिए देख के गए तो हमें भी। अरे तो सुन तो सही, पहले इधर तो आ तो सही यार, तू जब मेरे को एक चीज बता, रिया इतना कुछ खा के जाती है यहाँ से, ठीक है ना, आज दो गुजिया भिजवा दिए तो हमें क्यों दे रहे खाने के लिए? क्यों क्यों तुम ना रिया कुछ करते हो, कपड़े खरीदाते हो उससे? मैं क्यों खरीदवाऊंगा, उसका बाप है कपड़े खरीदवाने के लिए, कपड़े तू देता खरीद के? नहीं जो कपड़े खरीदे वही गुजिया खाए। बेटा जी होली का मौसम है ना, एक गुजिया खाने का मौसम है, ठीक है ना, लोग दे देते हैं दोस्तों को, तो अपने मम्मी पापा को नहीं दे रहा गुजिया? रिया ने भिजवाई है तो पहले आप रिया से ना कपड़े खरीदो तभी दूंगा। देखो भैया 100 रुपए के लिए कपड़ा खरीदेंगे, 100-200 रुपए की गुजिया के लिए कपड़ा खरीदेंगे, 2000 की पागल कुत्ते ने खा रखा है। गुजिया दिखाई दे, ये फिर गुजिया मेरी है, इससे क्या ले रहे हो, ये गदा देने वाला है आपको गुजिया खाने के लिए? ऐसे भी गुजिया तो मैं खा ही लूंगा क्योंकि मैं सरला को ऐसे भिजवाएगी गुजिया। हाँ होली में तो क्या खाएंगे ढगाड़ तो आती है, तो खाने अभी, अभी आप खा ली तो आपकी बोल रहे कि वैसे सल्ला मेरे लिए भिजवाने वाली है, यानी कि और ठूस, और पहले तो ठूस लियो अभी और ठूसोगे उसके हाथों का, इस मोटी के लिए ना भिजवाएगी खाने के लिए, ठीक है ना? अबे दिल से क्यों लगा रहा है, गुजिया है ये, पेट में जाएगा मुंह के रास्ते, ठीक है ना? मेरी जादू की गुजिया है, संभाल के रख ले इसको, ठीक है ना? गुजिया को सीने से लगा रहा है, जैसे दिल रुबा हो इनकी, ठीक है ना? तब ये खाने के लिए रहते हैं, सीने से लगाने के लिए होते हैं गुजिया, तो खा मत, इसको फ्रेम करवा के रख ले, ठीक है ना? ठीक है, हद हो गई यार, गुजिया तो खराब हो गया, अब तो तूने ऐसे ही रखा है हाथों में इसको, जैसे तो खाएगा नहीं, ता जिंदगी ऐसे ही रखेगा। अबे तो यार चल ठीक है, मैं नहीं खाता गुजिया, एक मम्मी को दे दे, एक तू खा ले, अपन के लिए तो आएगी यार सरला देके जाएगी यार, तू चाय बना दे फटाफट। तुम्हें सरला के हाथ के खाने का कुछ ज्यादा ही नहीं, खा लो सरला देना तो, तुम ही हो रहे सरला के सबसे ज्यादा तगड़े वाले रिश्तेदार जो आप ही के मुंह में ठूसेगी होली में।
हद हो गई यार, सरला दे सरला के हाथों के खाने की फिराक में रहते 2400 का। यार ये तो ऐसे देख रहा गुजिया, को भी जिंदगी में देखा नहीं है गुजिया। बेटा ले ले जिंदगी के मौज, ठीक है ना? क्या हो रहा है? ठीक है ना? अरे यार तू दे ना यार गुजिया, जब भिजवाइए तो देना खाने के लिए यार, हद हो गई यार। ये दे नहीं रहा यार, होली में मजे ले रहा है और तू कुछ नहीं कर रहा बेटा। होली ना मजे आ रही है, वो कंजूसनी कैसे देके चली गई इसको मिठाई का डब्बा? वो तो जब भी हमारे घर आती है हमारे घर ठूस के जाती है इतना, आज तक तो इसको एक अठन्नी चबन्नी की टॉफी तक नहीं दी। मुझे लग रहा है आपका दोस्त देके गया है, इसने अपने उसको बना के। यार ये गुजिया मैं लेके आया था, इसमें 10 गुजिया थी, 8 गुजिया दे दिया मैंने सरला को खाने के लिए, 2 गुजिया बचा लिया तेरे लिए। मेरा और निश्चल मिलकर तेरे पे प्रैंक कर रहे थे। कहाँ से लाए थे? खरीद के लेके आए थे पैसे से। कहाँ से मिले? भंडारा हो रही गुजिया की। और कितनी खाएगी सरला? 10 लेके आया था, 8 दे दी सरला को। किस खुशी में? किस खुशी में सरला? होली की खुशी में। होली में ना दूंगा गुजिया, अपने घर में सिर्फ 2 ही खा ले। 8 ले खा ले, खुद ही ठूस ले। ये भी क्यों बचाए कि सरला के मुंह में ठूस देते, जाके उसी के साथ होली मना लो ना। कर क्या रहे यहाँ पे? तेरे साथ होली ना मनाएंगे? ऐसे बेबी प्रैंक हो रहा था, ठीक है ना? और गुजिया को मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, बस 2 ही गुजिया रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है? सरला को नहीं देखे? अब मैं प्रैंक हो रहा था, कैमरा लगा हुआ है पीछे, ठीक है? मैं निचल के प्रैंक कर रहे थे। निचल रख ले गुजिया, जाके खा ले फ्रिज में से गुजिया। हद हो गई यार निश्चल, तूने बहुत तगड़ा प्रैंक किया मेरे ऊपर, मजा आ गया। मैंने इसको आज समझा दिया था निश्चल, ठीक है दोस्तों? कैसा लगा प्रैंक प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी। और दोस्तों आप लोगों को हैप्पी होली। हैप्पी होली दोस्तों। अब क्यों खा रही है मोटी गुजिया? हैं मत खा, हैं अभी तो बोली थी मैं नहीं खाऊंगी, बड़ी नाराज होकर चली गई थी। अब क्यों खा रही है? पैसे लगे गुजिया में। क्यों तुम्हारे सल्ला को ठूसने दूसरी? अबे यार मैं सरला के लिए कहाँ लेके आया यार, फ्रिज में रखे हुए गुजिया। फ्रेंड तो है आप सुनना। तू तो बेटा ज्यादा बोल मत, ठीक है ना? निचल कह रहा है भले पापा ने चाहे फ्रिज में कितनी भर दिया, मम्मी कैंसर मत करो, एक डब्बा सरला के पास पहुंच चुका है। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, सरला के पास पहुंच चुका है। तो क्यों खा रही है गुजिया? मत खा। क्यों नहीं खाऊंगी? चल ठीक है यार, ऐसे भी होली में गुजिया खाना चाहिए। कसम से मजे आ गए आज तो, गुजिया मिल गई मैडम। है अच्छा है गुजिया? है अच्छा है ना? केसर वाला गुजिया लेके आया था मैं। ओहो निश्चल बेटा तेरे तो पेट खराब हो रहे थे कल, ठीक है ना? तबीयत खराब थी तब भी गुजिया खा रहा है। कोई प्रॉब्लम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, गुजिया खानी है लौंडे को, है निश्चल? चल ठीक है खाओ यार गुजिया खाओ, खुशियाँ मनाओ, हैप्पी होली। हैप्पी होली सबपे, कसम से। चल ठीक है यार, मेरे को तो कोई देगा नहीं गुजिया, ना पूछेगा कि आप खा लो गुजिया, खुद ही ठूस रहे, खुद ही ठूस रहे दोनों के दोनों गुजिया। फ्रिज में रखी है, हाथ है आपके, जाओ लो खाओ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम से कभी कुछ नहीं लेके आऊंगा त्योहार पे, सॉरी। ठीक है कोई बात नहीं, तू बेटा खा ले, तेरी मम्मी को बोल रहा हूँ मैं। मम्मी को बोलने की जरूरत नहीं है, मम्मी ऐसी खा लेती सब चीज़। तो खा लेना, खाऊंगी, कौन मना कर रहा था गुजिया खाने से, खा ले यार गुजिया। निश्चल ने तो बहुत तगड़ा प्रैंक किया अपनी मम्मी के ऊपर, कसम से मैंने उसको सिखा दिया था, तो आज बहुत तगड़ा प्रैंक हो गया। सालू नाराज हो गई थी लेकिन बाद में मान गई, कसम से दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।